हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी ब्रश करके मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो अभी फ़िलहाल ना मतलब 10-15 मिनट क्लास पहले ख़त्म हो गई, तो अभी जो दूसरी क्लास है उसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग कर लेती हूँ। सो गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सिमरन्स व्लॉग। और क्या बोलती हूँ मैं रूटीनली, वैसे ये इंट्रो मैं बहुत कम देने लगी हूँ आजकल, है ना? तो चलो ठीक है, इस वीडियो में मैंने दे दिया है। सो गाइज, हम लोग की अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मतलब नो क्लिनिकल्स, मतलब इस वीक कोई क्लिनिकल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस है। तो ऑनलाइन क्लासेस सुबह 8 से 1 बजे तक, देन 2 से 5 बजे तक। मतलब अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो क्या क्या हम करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इन शॉर्ट, हम सुबह 8 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं, मतलब 8:05 तक कर लेते हैं। देन उसके तो नहीं क्या हुआ, देन उसके बाद 8:05 तक हम ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक घंटे के सारे लेक्चर्स होते हैं 1 बजे तक। देन 1 to 2 हम लोग का ब्रेक होता है, वो 5 लेक्चर्स के बाद थोड़ा थक जाते हैं। थक क्या जाते हैं, कभी कभी लेट के ले लेते हैं, कभी बैठ के ले लेते हैं, है ना? तो फिर 2 से 5 जो क्लास होती है फिर वो अटेंड करते हैं। देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। और आज मेरा मन है कि मैं शाम को कटहल बनाऊं, बिकॉज आई लव दैट। सो गाइज, फ़िलहाल मैंने सोचा है कि कुछ थोड़ा पढ़ लिया जाए, क्योंकि हम लोगों की जो 12 to 1 क्लास होने वाली थी वो नहीं हुई है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं जो मतलब उस क्लास का टॉपिक था वो पढ़ लेते हैं, उसकी स्लाइड्स ऑलरेडी आ गई हैं। तो जो है PDF वो पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा बुक्स भी पढ़ लेते हैं। ओके आई गॉट द टॉपिक, तो मैं अब जा रही हूँ पढ़ने के लिए। सो थोड़ा सा आपको पढ़ने का ब्लॉग दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाय बाय करूँगी। ओके okay? फिर हम खाना लेने जाएंगे तो आपको मिलूँगी। ओके सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 1:40, तो मैं सोच रही हूँ मैं खाना लेने जाती हूँ और आप लोग को मैस का आज का खाना दिखाती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कटहल बनाने का, बट वो शाम को बनाऊँगी, अभी टाइम नहीं है। तो अभी नॉर्मल खाना खा लेती हूँ और चलो मैस में चलते हैं। ओके चलो बाय बाय। बट गाइज, बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू थैंक अन अकेडमी फॉर द स्पॉन्सरशिप वीडियो। So guys, let's talk about Unacademy Prodigy test and win 20 lakh college grant. So guys, ये test 23rd of January 2022 को है 10 AM। तो इसके अंदर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th आपका सब कुछ होगा इसके अंदर, और exciting scholarship, award and rewards इसके अंदर मिलेंगे आपको। इस टेस्ट को फ्री में देने के लिए सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है SIMRANG। रैंक 1 को मैकबुक एयर मिलेगा, रैंक 2 and 3 को एप्पल आईफोन, 4 and 5 को आईपैड, 6 to 40 को अमेज़ॉन इको डॉट, और 41 से 100 को अमेज़ॉन वाउचर्स। और बाकी जो रैंक्स हैं नीचे आप देख सकते हैं कि कितनों को कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा। सो गाइज, ये है टेस्ट के लिए शेड्यूल। सो टॉकिंग अबाउट द बैच, लेट्स क्रैक NEET 22 विद एक्सपर्ट्स। इसके अंदर टॉप एडुकेटर्स हैं और ये 19th of January से बैच स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड बैच इज अर्ली एस्पिरेंट बैच फॉर NEET 23। इसके अंदर भी टॉप एडुकेटर्स हैं और ये भी 19th of January से स्टार्ट होने वाला है। सो क्रैक NEET UG विद अन अकेडमी, 6 months का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 months का 12th class का CBSE गोल्ड फ्री मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और 18 months का लेने पे 3 months का फ्री। ये ऑफर सिर्फ 21st January तक ही वैलिड है गाइज। हाय एवरीवन। सो गाइज, मैं ना ऑनलाइन क्लास के बाद सो गया था, मतलब ज़्यादा देर तो नहीं, बट
आधा घंटा 45 मिनट्स हो गया था, तो मेरी आँख अभी खुली, मुझे याद आया मुझे कटहल बनाना है। वाह चलो मैं उठ जाता हूँ, अब तो मैं लेटा ही रहूँगा वरना। सो देखो बाहर कैसे अंधेरा हो गया ना। तो हाय गाइस देखो कैसे गंदे से बाल हो रहे मेरे। चलो अब मैं मुंह धोकर आती हूँ, फिर कटहल बनाते हैं, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगी तो व्लॉग करूंगी। ओके बाय बाय। सो गाइस सुबह से हम लोग की ऑनलाइन क्लास हो रही थी और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। फिलहाल आप देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कटहल को फ्राई, क्योंकि आई रियली लव कटहल, मुझे बहुत पसंद है कटहल बनाना। आई मीन खाना बना तो मैं पहली बार ही हूँ, मम्मा से रेसिपी पूछ के, बट आई लव टू ईट कटहल। सो सुबह से यार वही, सुबह से पता है कब से क्लासेस चल रही हूँ, सुबह 8 से 1 बजे तक, फिर 1 से 2 लंच किया, देन 1 से 2 ही मैं नहाई भी, और उसके बाद फिर हमारी 2 से 5 अगेन क्लास, थक गए। तो ये तो फ्राई हो चुका है, इसके बाद हमको प्याज टमाटर कट करने हैं। मेरे पास ग्राइंडर तो नहीं है यार, अब वो नहीं है, तो बहुत बारीक बारीक कट करना पड़ेगा और अच्छे से मसाला पहले रेडी करना पड़ेगा। तो ये निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओके ये रहे मेरे कटहल। तो आपको मैं स्टोरी सुनाने वाली थी, यस, तो अब मैं आपको सुनाती हूँ स्टोरी। तो जो मैं स्टोरी सुनाने वाली थी वो ये है, वो रियल स्टोरी है गाइस, मेरे नाइटमेयर की स्टोरी, जो मुझे 2-4 दिनों से आ रहे हैं, मतलब नॉट रेगुलरली, बट हाँ मुझे 2 बार ऐसे अजीब अजीब से सपने दिखाई दिए जिसकी वजह से मैं डर गई रात को, और सोकर उठी तो मैं रोने लगी या फिर मुझे डर लगने लगा। मुझे रात को जैसे सो रही हूँ ना मैं अभी, तो मुझे बहुत डर लग रहा है सोने में, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये क्या अंधेरा होता है। मैं ना वैसे तो मुझे अंधेरे में ही सोना पसंद है, बट क्या कर सकते हैं यार, अंधेरा अगर बंद कर देते ना बिल्कुल लाइट तो डर लगता है। तो मैंने क्या किया, लैम्प था, मेरी मैम सीनियर मैम है उन्होंने दिया था, तो वो लेकर आई मैं लैम्प, देन फिर लैम्प को जला के सो रही हूँ मैं रोज़ अभी 2 दिन से, तो यही किया है, और भगवान का नाम लेके सोती हूँ ताकि सुबह मेरे को कोई बुरा सपना ना आए। मैं डर जाती हूँ रो कर उठना, बैड थिंग। तो सपनों की बात तो बहुत हो गई, कोई नहीं, अब कटहल गरम मसाला आया नहीं है, तो फिलहाल मेरी फ्रेंड लेने गई हुई है, तो अभी तो खाना भी क्या ही बनेगा यार, है ना। तो मैं आट ये सब मैंने प्रिपेयर करके रख दिया है, मतलब पूरा ना, तो अब सिर्फ फ्राई करना है उसको जब भी वो आएगा, और मैं प्याज टमाटर ऑलरेडी काट के रखती हूँ, तो जब आएगा मैं फ्राई कर दूँगी और फिर आपको रेसिपी बता ही देती हूँ, क्या ही बताना है ना। सबसे पहले अगर आपका वो क्या बोलते हैं प्याज कुटा हुआ है, मतलब पिसा हुआ है, तो उसको ग्राइंड कर लेना अच्छे से, और फिर टमाटर को भी ऐसे ही कर लेना। उसके बाद सबसे पहले प्याज डालना, अगर 1/2 kg है, ऐसे मेरी मम्मा ने मुझे बताया 1/2 kg है तो 3 प्याज डाल देना, और अगर टमाटर खट्टे ज़्यादा हैं तो 2 ही टमाटर डालना, वरना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। देन उसके बाद मसाले को बहुत अच्छे से बनाओगे तो आपका खाना बहुत टेस्टी बनेगा, उसके अंदर मसाला डाल के अच्छे से उसको रेडी कर लेना। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर कहाँ पहुँच गई थी मैं, हाँ मसाला बनने के बाद हम क्या करेंगे, वो और भूल क्यों रहा हूँ मैं, तो हम उसके अंदर कटहल डाल देंगे, फिर थोड़ी सी ग्रेवी हमें चाहिए होगी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं, थोड़ी ग्रेवी, तो हम उसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम गरम मसाला डालेंगे, जो भी एडिशनल फ्लेवर्स आप चाहते हो अपने उसमें, जो भी चाहते हो, जैसे इसका ना टेस्ट थोड़ा चिकन टाइप में आता है, तो आप जो चिकन में चीज़ें डालते हो, मतलब चिकन मसाला छोड़ के, वो सब आप डाल सकते हो, इट्स ऑल योर विश, और फिर वो एकदम अच्छा सा बन जाएगा खाने लायक, मज़ा आ जाएगा। और मैंने तो दही रखा है भाई, मुझे दही बहुत पसंद है, मतलब मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो फिलहाल मैं अमरूद खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो मैं अमरूद धोकर लेके आती हूँ। ओके काट रही हूँ अमरूद खाने के लिए,
क्योंकि मुझे लग रही है भूख। ओ भाई कट जा यार, बहुत ही हार्ड है। तो कट गया। ये तो डीप सा है, ये वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। सो गाइस, हम लोग सब्जी भले ही अपने रूम पे बना ले, बट रोटी लेने तो मैस में जाना ही पड़ेगा ना, तो मैं जा रही हूँ मैस। इतनी भीड़ गाइज, आपको पता है कि जो मैंने कटहल बनाई थी ना, वो बहुत 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 टेस्टी बनी थी, एकदम मम्मा जैसा बनाती एकदम वैसा। बट मेरे फ़ोन में इनसफिशियंट स्पेस था, मतलब स्पेस ही नहीं था, तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई यार, आई एम सॉरी। अब मैं ये गरम कर रही हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा। ओके बाय। सो गाइस, बहुत हो गया खाना पीना, अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। ये हम लोग के फोर्थ ईयर की टेक्स्ट बुक है, डीसी दत्तास टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स हीरालाल कोनोर, ये 9th एडिशन है गाइस। तो अब मुझे क्या पढ़ना है मैं बताती हूँ आपको। ओके रुको, होल्ड ऑन। सो गाइस, ये हो गया, तो अब मुझे पढ़ना है ये द फीटस फिजियोलॉजी सर्कुलेशन और चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन एट बर्थ। और ये अगर टाइम से ख़त्म हो जाएगा, वैसे तो हो ही जाएगा, 2 ही पेज का चैप्टर, आप देख सकते हो 38-40, तो हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके अब हम खोल लेते हैं 38 पेज नंबर और कर लेते हैं पढ़ाई। 38 यस हीरा। So this is the chapter and I'm going to study. Bye bye guys. I'm going to study. पढ़ाई मेरी हो गई है, तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ आपको पता है? अब मैं गाने सुनने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है, शांति मुझे चुभ रही है, बहुत शांति लग रही है मुझे इधर, तो बस चुभ रही है, मैं थोड़े से गाने वाने सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, ठीक है? और डांस भी करूँगी थोड़ी देर मिरर के सामने, मेरे पास भरे वाला मिरर है ना वो ना। चलो ठीक है, बाय बाय, मैं डांस करने जा रही हूँ, थोड़ी देर डांस कर लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ। और या तो अगर मैंने गाने वाने नहीं सुने तो कुछ फ़ोन पे देख लूँगी, वेब सीरीज़ या फिर कुछ भी, ठीक है? तो चलो अब बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।